योगा फॉर टीनेजर्स द ग्रोइंग माइंड एंड बॉडी। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम देख रहे हैं हमारी जो यंगस्टर है, अभी जो ग्रोइंग एज की बच्चियां हैं या लड़के हैं, तो उनका जो खान पान है, उनकी जो दिनचर्या है, वो इतनी डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से एक तो उनमें मोटापा आ रहा है, दूसरा उनकी लाइफ में मतलब वो अनुशासित नहीं है, क्योंकि योग नहीं, योग अपने आप अनुशासन लाता है। दूसरा, उनके इतने सारे अभी से ही रोग लग रहे हैं टीनेज से ही, यानी PCOD, PCOS, हार्मोन डिसबैलेंस कम उम्र में ही लड़कियों को शुरू हो रहा है। तो इसके लिए, और उनका लंबाई भी बढ़नी रुक जाती है। तो आज मैं बहुत थोड़े से 10 मिनट का केवल योग अभ्यास बता रही हूँ, जिसके लिए नहीं कह सकते कि हमारे पास टाइम नहीं है। 10 मिनट का समय तो सबके लिए है, सबके पास है, और अपनी हेल्थ के लिए तो होना भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूँगी, खड़े होकर एक अभ्यास, जॉगिंग केवल 2 मिनट। दो मिनट घड़ी देख के जॉगिंग करेंगे, जिससे कि आप बॉडी वार्म अप हो जाएगी आपके आसन वगैरह करने के लिए। बस इस तरीके से, और इस तरह भी करेंगे, पीछे भी मोड़ेंगे, आगे भी उछालेंगे, ऐसा 2 मिनट के लिए करना है। केवल 2 मिनट करने के बाद मैं बोलूँगी 2 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार, क्योंकि सूर्य नमस्कार अपने आप में बहुत सारे बेनिफिट देता है। अभी उनकी अगर कद बढ़ना है तो बहुत अच्छे से बढ़ेगा सूर्य नमस्कार के अभ्यास से भी, तो और उनकी माइंड और बॉडी दोनों बहुत फिट रहेगी, कोई रोग नहीं लगने पाएगा सूर्य नमस्कार के लिए। सूर्य की ओर मुंह केवल 2 मिनट में वो आराम से धीरे करने पर भी 6 टाइम कर लेंगे, 6 बार हो जाएगा। सांस भरते हुए ब्रीद इन ब्रीद आउट, सांस भरे सांस छोड़े, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, सांस भरे सांस छोड़े। बस मैंने एक बार किया है, मैं इसमें अपना वीडियो सेंड कर दूंगी, जिसे देख के आप कर सकते हैं। वैसे मैं 1 मिनट में 5 बार करती हूँ, अगर आप धीरे करेंगे तो 3 बार करेंगे ना, तो 2 मिनट में 6 टाइम हो जाएगा, और जब स्पीड बढ़ जाएगी तो आप भी मेरी तरह ज़्यादा कर लेंगे। तो 2 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार। इसके बाद मैं आपको एक अभ्यास बताऊंगी, सॉरी भूल गई, वो है वृक्षासन। वृक्षासन आपका कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, फोकस तो बढ़ता ही है, आप बैलेंसिंग आएगी बॉडी में। किसी एक पॉइंट पर देखना है, एक पॉइंट पर देखते हुए बस इसमें आधा मिनट रुकेंगे। आधा मिनट रुकने के बाद धीरे से पोज को चेंज कर देंगे। सिर्फ एक पॉइंट पर आप निगाह स्थिर कर लें, और उसे देखते हुए आप यहाँ पर रुके आधा मिनट, और आधे मिनट के बाद फिर रिलैक्स हो जाए। बस उसके बाद आपको सीधे लेट के ही करना है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए पसलियों के पास हथेली टिकाएं, सांस भरते हुए उठे और आराम से लंबी गहरी सांस लें, गर्दन पीछे। एक तो थायराइड भी आजकल बहुत हो रहा है, छोटी उम्र से ही लोगों को हो जा रहा है, तो अगर थायराइड की समस्या भी इससे नहीं होगी, और दूसरा आपके हार्ट लंग्स डाइजेशन और पीरियड संबंधी सारी समस्याएं, बैकएक सब इससे दूर होगा। और यहाँ पर 1 मिनट रुकने के बाद ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाएंगे। इसके बाद दूसरा अभ्यास मैं बोलूँगी धनुरासन, जो फैट को भी बर्न करेगा, डाइजेशन को भी, और डायबिटीज से भी बचाएगा। और यहाँ भी आप बस 1 मिनट रुकिए, सांस भरिए सांस छोड़िए, सांस के साथ ही हर पोज में रुकना है। 1 मिनट के बाद इससे भी रिलैक्स हो जाएंगे। फिर सीधे होकर के एक आसन में आपसे बोलूंगी, सर्वांगासन, तो पूरे बॉडी के लिए, माइंड के लिए, चेहरे के लिए, आंखों के लिए, थायराइड के लिए तो चलिए है, पर आपके शरीर का कोई ऐसा भाग नहीं है जो इससे न स्वस्थ होता हो। क्या करेंगे, देखिए, ब्रीद आउट करते हुए दोनों को पास लाए, हाथों को कमर के पास ले गए,
यू का शेप बनाया, ये ब्रीद आउट पूरा हो गया। अब सांस भरते हुए पैरों को ऊपर पहुंचा दिया, बिल्कुल 90 डिग्री में शरीर में ऊपर खड़ा कर दिया। ब्रीद आउट, ब्रीद इन। इसमें कम से कम 2 मिनट, शुरुआत चाहे आप आधे मिनट से करिए, लेकिन 2 मिनट करेंगे तो इसका बहुत लाभ बढ़ेगा, मिलेगा। एक तो ये लंबाई भी बढ़ाता है, मैंने बोला ऐसा कोई चीज नहीं है जो इससे ठीक नहीं होती हो। सौंदर्य तो मिलता ही है, रिंकल फ्री चेहरा भी रहेगा, ब्रेन बहुत अच्छा रहेगा, आंखें अच्छी रहेंगी। तो ये आसन वैसे तो 5 मिनट करने के लिए बोला जाता है, पर 2 मिनट आपके पास समय रहेगा, आप 2 मिनट करिए। और 2 मिनट के बाद एक आसन और बता रही हूँ जो लंबाई भी बढ़ाएगा, हार्मोन भी बैलेंस करेगा और फैट को भी बर्न करेगा। इसके लिए आपको पैरों को ऐसे मोड़ लेना है, नाम है चक्रासन। अभी जो किया था वो सर्वांगासन था, अब है चक्रासन। लेकिन हाँ, अगर आपको सर्वाइकल की दिक्कत हो, कमर वैसे तो टीनेजर्स में होती नहीं है, अगर हो तो नहीं करना है उस आसन को, सर्वांगासन को। सांस भरते हुए हम धीरे से कमर को उठाएंगे, फिर पूरे शरीर को उठा देंगे, हमारा पूरा बोझ हथेली और पंजों के ऊपर है, हथेली के ऊपर ज्यादा है, आंखें बंद है और लंबी गहरी श्वास। और इसके बाद इसमें आप आधा मिनट, 1 मिनट जो रुक सकते हैं रुकिए, सांस भरते हुए नीचे आ जाएं और रिलैक्स हो जाएं। बस इतना सा मैंने आपको अभ्यास बताया करने को, जो आपकी देखिए हार्मोन बैलेंस को ठीक करेगा, आपके बॉडी के फैट को बर्न करेगा, डाइजेशन अच्छा रखेगा, पीसीओडी पीसीओएस जैसी समस्या नहीं आएगी अगर आप रोज करते हैं तो। और लंबाई तो बढ़ेगी, डाइजेशन सुधरेगा, आपको और क्या चाहिए। बिना दवाई के ये केवल 6 आसन आपकी बॉडी को डिसीज फ्री कर देंगे। तो मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे। लेकिन हाँ, मैं फिर भी बोलूँगी कि अगर आपके पास और 3-4 मिनट का समय हो तो कपाल भाती चाहे 2 मिनट के लिए करिए करिए, क्योंकि उससे मेमोरी शार्प होती है। और अगर आप अनुलोम विलोम भी कर लेते हैं तो सोने में सुहागा है, मगर नहीं कर सकते तो मैं जिद नहीं कर रही हूँ। कपाल भाती आप किसी और समय कर लें, लेकिन जो भी करें खाली पेट, तो आप देखेंगे, आप खुद महसूस करेंगे। क्योंकि मैंने तो सिंधिया कन्या विद्यालय में जब करा रही थी, मैं 6 साल कराई हूँ, तो उस जिस जो क्लास मेरे संग बहुत लंबे समय तक थी, 6th क्लास से लेके मैंने 12th क्लास तक कराया है, वो क्लास का जो रिजल्ट था बहुत अच्छा था। तो अगर आप कपाल भाती भी करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहा है तो सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।